नमस्कार। चश्माटा खुले नहीं आगे। स्टेजे उपस्थित हमारे रेस्पेक्टेड होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी और बाकी सब बड़ बड़ हमारे नेता ताके सम्मान। सामने बसे थका हमार सब पूजनीय लीडर्स कार्यकर्ता एंड बीजेपी मर के जीतेंगे वाले सब सारे कार्यकर्ता, कुछ बोलने के लिए कहा है, मैं फिल्म के लिए कुछ नहीं बोलूँगा। फिल्म के लिए इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आज का ये सभा हम सदस्य बनाने के लिए सोच रहे हैं। अपनारा सबाई बोलें कि दादा अपनी सामने आसुन, अपनी सामने आसुन, एकटू अपनी सामने आसले हमें একটা সাহায্য পাই। আমি সামনে আসা মানে লাস্ট ইলেকশনে 37 ডেজ আমি ক্যাম্পেইন করেছি খালি মুড়ি আর গুড় খেয়ে, কিন্তু দ্য রেজাল্ট খুব দুঃখ পেয়েছি। কেন পেয়েছি? এইবার তো সুকান্তদা বললেন আর 3% যদি পাই আমরা জিতব। আপনাদের কাছে একটা আমি প্রমিস চাই, তাহলে আমি আগে আসবো। বলুন আমরা কি 1 কোটি সদস্য করতে পারব? জোর নেই, গলায় জোর নেই, সত্যি করে বলুন 1 কোটি সদস্য কি আমরা তৈরি করতে পারব? তাহলে আমিও কথা দিলাম 26 বো মসনাত হামারা হোগা। কুছ ভি করেঙ্গে 26 ये मसनत हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी। कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए हमारे यहां एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे, हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तीनों मुंह जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए। पैसा लेके बीजेपी में मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई लाख सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे भारतीय हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते हैं, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। हम राजनीति किया है भैया, खून की राजनीति की हमने,
हमको सब मालूम है, कौन किधर से क्या करने वाले सब मालूम है, खाली आपका साथ चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए और वो सीना चाहिए। बस मैं सर से अनुमति ले रहा हूँ, सुनील जी से, मंगल जी से और सर से कि हम, मैं नवंबर से मैं 20 दिन मैं पार्टी के लिए रखूँगा, 10 दिन मैं अपने काम करने के लिए रखूँगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि काम नहीं करूँगा तो मैं खाऊँगा क्या, तो इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। नवंबर दिसंबर या तो अगले मार्च से जो हमको आदेश देंगे उस तरह से मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा, हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्लेस, हर गांव, हर जगह मैं छू कर आऊँगा। वहाँ बैठे चक्रवर्ती को नहीं देखेंगे। मैं आप लोगों से यही मांगने जाऊँगा कि आप तैयार हैं, जो बूथ में बैठा है उसको मार के भगा देते हैं, क्यों भगा देते हैं, हम लड़ नहीं पाते, लेकिन हमको अभी वो योद्धा चाहिए जो उस कुर्सी में बैठेगा, बोलेगा मार, हम नहीं जाएंगे। एक तो बेशी हिंदी तो बोले फिललाम, किंतु अपनारा सब बुझेन आमी कि बोलछी। 1 কোটি ভোট আপনারা দেবেন তো? 1 কোটি মেম্বার্স আপনারা দেবেন তো? তাহলে 26-এর মসনাদ আমাদের, আমরা রাজ করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ মাননীয় মিঠুন চক্রবর্তী মহাশয়কে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। ভারত মাতা কি জয়, শ্রীরাম জয়, জয় শ্রীরাম। সমবেত ভারতীয় জনতা পার্টির বলিষ্ঠ কার্যকর্তা এবং আমার রাষ্ট্রবাদী সতীর্থবৃন্দ, প্রবীণ কার্যকর্তাগণকে প্রণাম, মাতৃশক্তিকে শ্রদ্ধা, সতীর্থ অনুজদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আমরা যার শুভ হস্তে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি আজকে সদস্যতা অভিযান শুরু করতে চলেছি, ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম বলিষ্ঠ শক্তিশালী নেতা